बेटा आवाज आ रही है मेरी? रिस्पॉन्स करो बेटा। यस सर। मैं ये कह रहा हूं कि ये हम लोगों ने ये तो डिस्कस कर लिया था ना, ये वाला डीपीपी। यस सर, हो गई थी। हाँ बेटा, तो आज नेक्स्ट चैप्टर फिर स्टार्ट करेंगे हम लोग। नेक्स्ट लेते हैं, अब देखो आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, केमिकल बॉन्डिंग हो गया, पीरियडिक हो गया। आज हम स्टार्ट करते हैं फिर स्टेट्स ऑफ मैटर से आगे। पहले तीनों स्टेट ले लेते हैं, गैस, लिक्विड, सॉलिड, स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर में देखो, आपको जो सबसे पहले इस पार्ट में करना है, वी विल स्टडी अबाउट द गैसेस। जैसे गैसियस स्टेट हमको सबसे पहले करना है, तो गैस किसको बोलते हैं, गैसियस स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होता है। गैसियस स्टेट्स ऑफ मैटर जब किसी भी मटेरियल के पार्टिकल के बीच डिस्टेंस जो होता है, लार्ज डिस्टेंस होता है, लार्ज इंटर पार्टिकल डिस्टेंस जब होता है, लार्ज डिस्टेंस इंटर पार्टिकल डिस्टेंस होता है, तो उसके अंदर एक पॉइंट आ जाता है, मतलब उसको आप दबा सकते हो, कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं इसको। जो गैसी स्टेट है उसका सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो है हाई कंप्रेसिबिलिटी। तो हम जनरली किसी सॉलिड को देखो कंप्रेस करेंगे तो नहीं कंप्रेस हो पाएगा, लिक्विड में करेंगे तो लिक्विड में भी बहुत लेस कंप्रेसिबिलिटी होती है, लेकिन गैसेस के बीच पार्टिकल के बीच डिस्टेंस हाई होता है, इसलिए आप उसको कंप्रेस कर सकते हो। तो इसका मेन प्रॉपर्टी जो होता है हाई कंप्रेसिबिलिटी, और फ्लो भी हो सकती है गैसेज एक जगह से दूसरी जगह। सिर्फ फ्लो होता तो हम बोलते हैं कि वो लिक्विड का स्टेट है बेटा, लेकिन फ्लो भी है एंड कंप्रेसिबिलिटी भी है, सो वी कैन से दैट दिस इज द गैसियस स्टेट ऑफ मैटर। अब जो भी गैसियस स्टेट ऑफ मैटर होता है, किसी गैस की जो प्रॉपर्टीज, जो हमारे प्रॉपर्टीज पॉइंट हैं, कैरेक्टर हैं, वो हम किसी गैस के लिए जो लेते हैं वो फोर कैरेक्टर होते हैं। तो सारा जो टॉपिक चलेगा कैरेक्टर ऑफ गैसेस पर जो चलेगा बेटा, टोटल हमारे पास किसी भी गैस के कैरेक्टर हैं कि हम उसका अमाउंट कितना लेते हैं, अमाउंट अमाउंट हम या मोल में लेंगे, एन की फॉर्म में लेंगे, या मोल गैस के कितने मोल लेते हैं इसको हम एन से रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरा पॉइंट हमारे पास जो होता है, सेकेंड पॉइंट रिलेटेड विद द गैसियस स्टेट, दैट इज द नेक्स्ट पॉइंट जो होगा। सेकेंड पॉइंट हमारे पास जो होगा वो हम लेंगे, तो ये हमारे पास देखो सेकेंड रहेगा आपके पास, ये सेकेंड सेकेंड आपका वॉल्यूम, किसी भी गैस का वॉल्यूम कैसे लिखते हैं। देखो वॉल्यूम को वी से रिप्रेजेंट करेंगे, और वॉल्यूम का मतलब ये होगा कि गैस का अपना वॉल्यूम तो होता नहीं है, तो जिस भी कंटेनर के अंदर लेते हैं, मान लो गैस इस कंटेनर के अंदर हमने रख ली, इसके पार्टिकल इस का वॉल्यूम जो होगा, गैसेज का वॉल्यूम उसके कंटेनर का ही वॉल्यूम होता है, गैसेज का अपना कोई वॉल्यूम नहीं होता। जितना कंटेनर होगा उस वॉल्यूम के हम इक्वल लेंगे, तो कंटेनर वॉल्यूम। गैसेस के वॉल्यूम का मतलब बेटा ये होता है कि कंटेनर का वॉल्यूम क्या है।
थर्ड थिंग हमारे पास होती है, जब भी कोई गैस आएगी तो उसका थर्ड पॉइंट जो होगा वो थर्ड पॉइंट हमारे पास आएगा प्रेशर। तो हम बोलते हैं प्रेशर। प्रेशर कैसा होता है, मतलब गैस का प्रेशर का मतलब क्या होता है, जिस जगह पे जहां भी आप किसी गैस को रखेंगे, जब वो गैस का पार्टिकल मूव करेगा, फ्लो करेगा इधर उधर, तो किसी से टकराएगा। जैसे कंटेनर है, आपने किसी क्लोज कंटेनर में गैस को रख दी, तो गैस का पार्टिकल, पार्टिकल ऑफ गैसेस आर रैंडमली मूव एंड दे टच विद द वॉल ऑफ कंटेनर। तो वॉल कंटेनर से करेंगे तो फोर्स लगेगा उसमें, और फोर्स पर यूनिटी क्या होता है, प्रेशर होता है। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया पे जो फोर्स लगता है उसको प्रेशर कहते हैं। तो उसको हम बोलते हैं गैस का प्रेशर। सपोज ये कंटेनर है और इस कंटेनर में ये गैस का पार्टिकल है, ये रैंडमली मूवमेंट में, इट इज इन मोशन रैंडमली। और जैसे ही ये सपोज यहाँ रैंडमली पहुंच के यहाँ पहुंचता है तो ये फोर्स लगेगा, और ये फोर्स जो पर यूनिट एरिया होगा इसी को हम किसी सभी पार्टिकल का जो टोटल कर देंगे वो हमारा प्रेशर आएगा। तो गैस के पार्टिकल के सभी एक जगह अगर कोई गैस रखी हुई है तो उसके सभी पार्टिकल का प्रेशर सेम होता है, दैट इज नोन एज प्रेशर। और एक ये जो कंडीशन होती है, ये देखो वो सारा कुछ रिलेटेड तो मूवमेंट से है गैस के पार्टिकल के, एंड पार्टिकल ऑफ गैसेज आर कंटिन्यूसली इन रेंडम मोशन, बट दिस मोशन और दिस डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। तो ये तो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, तो जिस टाइम पे एटमोस्फेयर का टेम्परेचर होता है वो भी इस चीज को डिसाइड करता है। तो किसी भी गैस का अमाउंट कितना है, वॉल्यूम कितना है, प्रेशर कितना है और टेम्परेचर कितना है, ये सब डिसाइड करते हैं। आप किसी भी गैस की इसकी फोर प्रॉपर्टी को अगर रिलेट करेंगे बेटा, और आप प्लेनेट में, आप यूनिवर्स में कहीं भी चले जाएं, तो इस इन चारों प्रॉपर्टी का, यानी कि पी और वी का प्रोडक्ट और एन और टी के प्रोडक्ट का रेशियो, वो ऑलवेज कहीं भी यूनिवर्स में चले जाओ किसी भी गैस को लेकर के, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट। ये जो वैल्यू आएगा आपका पीवी अपॉन एनटी, किसी भी गैस का कहीं भी हम पीवी और एनटी ले जाएं तो वो उसको बोलते हैं यूनिवर्सल। ये वाला मल्टीप्लाई करेंगे, मैथमेटिकल सॉल्यूशन करेंगे, तो इसको बोलते हैं यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट, यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट, और इसको बेटा रिप्रेजेंट करते हैं हम आर से। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, तो ये यूनिवर्सल जो गैस कांस्टेंट होता है इसकी वैल्यू हम यूनिट याद करते हैं, क्योंकि वो हमारे न्यूमेरिकल में काफी काम आने वाली है, वैल्यू एंड यूनिट ऑफ आर। तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है आर, आर का वैल्यू और यूनिट क्या करेंगे, जैसे आपका आर का वैल्यू निकालोगे तो डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट आप यूज करोगे, तो डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट में हमारे पास जैसे देखो आर का 0.0821 यूनिट यूज करना है, आपने वैल्यू यूज करना है, तो इसका यूनिट हो जाएगा, ये हमारा प्रेशर एटमोस्फेयर में लेंगे, वॉल्यूम लीटर में लेंगे, तो एटमोस्फेयर लीटर पर केल्विन पर मोल। अगर एटमोस्फेयर लीटर पर केल्विन पर मोल में यूज करते हैं तो आर का वैल्यू 0.0821 करना होगा। अगर आप इसका वैल्यू 0.0821 हो गया, अगर आर का वैल्यू आप कैलरी में यूज करते हो 1.98 अप्रोक्सीमेट 2 कैलरी पर केल्विन पर मोल में कर सकते हो, 8.314 करना हो तो ये आपका ऐसा यूनिट हो जाएगा। ये वैल्यू जो आप यूनिट करोगे यहाँ 2, यहाँ 0.08 और यहाँ 8.314, ये आपका जो हो जाएगा जूल पर केल्विन पर मोल में यूज करना होगा ये आपको, और यही हमारा जो होगा वो एसआई यूनिट होगा। दिस यूनिट इज नोन एज एसआई यूनिट। तो आर का जो वैल्यू आएगा डिफरेंट यूनिट में डिफरेंट कन्वर्ट कर सकते हो। अब गैसेस के जो बिहेव होते हैं, वो गैसेस के बिहेव हम टू टाइप से कर सकते हैं। गैसेस का बिहेव जो टू टाइप में कौन कौन से वाला है, आपको पूरे चैप्टर में इसमें टू टाइप वाला जो आपको लेना है वो किस टाइप से लेना है, टू टाइप वाला आपको
आप जब भी गैसेस के बिहेव देखेंगे, बिहेवियर ऑफ गैसेस, ये जैसा चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है बिहेवियर ऑफ गैसेस, तो इसमें हम दो बिहेव शो करेंगे देखेंगे इसका। वन टाइप ऑफ बिहेव इज आइडियल बिहेवियर एंड वन इज द नॉन आइडियल बिहेवियर। नॉन आइडियल बिहेवियर, आइडियल बिहेवियर क्या होता है, जो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी को कंप्लीटली फॉलो करती है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी इफ गैसेस बिहेव अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन मतलब पीवी इज इक्वल टू एनआरटी को कंप्लीटली फॉलो करती है। जब भी ये जो अभी रिलेशन निकाला है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट पीवी अपॉन एनटी निकाले तो उसको करती है, देन इनको हम बोलते हैं गैसेस बिहेव अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन देन नोन एज, मतलब एक ही गैस आइडियल बिहेव भी शो कर सकती है, नॉन आइडियल भी शो कर सकती है। अगर पीवी जो एनआरटी को फॉलो कर रही है देन वो आपका आइडियल गैस, और जब भी आइडियल गैस होगा तो इस इक्वेशन का फॉलो होगा, तो इस इक्वेशन में आप कोई भी रिलेशन निकाल सकते हो। ये रिलेशन क्या हो सकते हैं, देखो प्रॉपर्टी टोटल हमने क्या लिया, हमने हमने लिया है नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम, प्रेशर एंड टेम्परेचर। इसमें से आप किसी भी दो प्रॉपर्टी को रिलेट कर सकते हो, जैसे एन और वी को रिलेट करोगे तो यहां देखोगे आप ये एन और ये वी, वी और एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो मैं बोल सकता हूँ एन और वी में एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी, लेकिन बाकी चीजें कॉन्स्टेंट होनी चाहिए, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है ये भी आप देखो कि भाई इसके प्रैक्टिकल मीनिंग क्या होगा। प्रैक्टिकल मीनिंग ये होगा कि मान लो आपने एक ओपन कंटेनर ले लिया बेटा, अब ओपन कंटेनर में लेके गैस के पार्टिकल डाल रहे हो आप, वो आइडियल बिहेव कर रही है, एक पार्टिकल है तो उसका वॉल्यूम वी हो जाएगा, दो पार्टिकल है तो वी उसका भी आ जाएगा, तो जितना पार्टिकल इंक्रीज करते जाओगे उतना वॉल्यूम भी इंक्रीज होता जाएगा एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी। अब यहाँ पर ओपन कंटेनर किया हुआ मैंने, ये जो मेरे पास है ये ओपन वेसल्स, ओपन वेसल्स हो गया तो इसका मतलब एटमोस्फेयर का प्रेशर लग रहा है और सब पे एक जैसा ही लग रहा है तो कांस्टेंट प्रेशर हो गया, और टेम्परेचर भी जितना है उतना ही है सबके ऊपर, ये कांस्टेंट टेम्परेचर हो गया। ऐसी सिचुएशन जब लेते हैं तो एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी होता है, इसको हम ओपन वेसल्स में कंसिडर करके बोल सकते हैं, और इसी को आप बोलते हो एवोगैड्रो रूल। तो एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी, दो को कंपेयर करना हो तो एन वन अपॉन एन टू इज इक्वल टू वी वन अपॉन वी टू, और इसी को हम बोलेंगे ए, ए से एवोगैड्रो रूल। एवोगैड्रो रूल्स के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसेस पार्टिकल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम हो जाएगा, जितना उसके आपके पास नंबर ऑफ मोल्स होंगे, जिस हिसाब से नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज होंगे वैसे ही वॉल्यूम इंक्रीज होगा। सेकेंडली आप देखो यहां पर आप देखो पी और वी में रिलेशन सपोज चाहिए आपको, पी और वी में बी वाला रिलेशन, पी और वी में बी वाला रिलेशन चाहिए, तो बी वाला रिलेशन क्या है हमारे पास, तो पी और वी के बीच जो रिलेशन होता है वो बॉयल्स रिलेशन होता है, तो बॉयल्स रिलेशन के अंदर क्या करते हैं हम, बॉयल्स रिलेशन में हम जो है वो ये चीज देखते हैं, तो आप देख रहे हो वी एंड पी वाला रिलेशन, पी एंड वी वाले रिलेशन के अंदर देखो अब पी वी इक्वल टू एनआरटी है, इक्वेशन सारे क्वेश्चन तो वहीं से उठने हैं, तो बॉयल्स रूल देखना है आपको, बॉयल्स रूल, तो बॉयल्स रूल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, बॉयल्स रूल के अकॉर्डिंग जैसे पी और वी, P और V है तो PV is equal to NRT, PV is equal to NRT, आपको P और V में रिलेशन देखना है तो PV बाकी सारा कांस्टेंट हो जाए, मतलब ये इसमें क्या होगा N and T कांस्टेंट होंगे, N and T अमाउंट फिक्स हो, टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो, देन हम कहते हैं कि P और V का प्रोडक्ट कांस्टेंट आ जाएगा, तो आप बोलोगे P इनिशियल और V इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल, V फाइनल थर्ड आ जाए तो वो भी आ जाएगा, जितने भी प्रेशर और वॉल्यूम है वो आपके कांस्टेंट आते चले जाएंगे, तो ये आपका बॉयल्स रूल हो जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे बॉयल्स रूल। फिर हमारे पास आता है चार्ल्स रूल, चार्ल्स में आ जाओ, इधर देखो इक्वेशन वही पीवी इक्वल टू एनआरटी, अब पी और वी में बॉयल्स हो गया तो वी और टी में अगर आप रिलेशन देखोगे बेटा तो ये चार्ल्स बन जाएगा, तो वी और टी में निकाल लो, वी और टी में, तो वी और टी ये आपका आ गया चार्ल्स, वी और टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगेन V and T,
कब बाकी कांस्टेंट, अब की बार कांस्टेंट हो जाएगा एन एंड पी कांस्टेंट, लेकिन ये टी जो होना चाहिए वो केल्विन में होना चाहिए, टी जो है केल्विन के अंदर होगा। तो इसका फार्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास, वी वन अपॉन वी टू इजिकल टू टी वन अपॉन टी टू। इस टाइप से आप डिफरेंट टाइप के जो कंडीशन होगी उसको आप अप्लाई कर सकते हो, और भी फार्मूले बना सकते हो। अब देखो क्या रिलेशन रह गया, सपोज आपको ये आपका आ गया वी एन टी, पी और टी के अंदर भी होगा तो सेम इसी टाइप से रिलेशन होगा, उसका नाम बदल जाएगा, गेलोसेक रूल बोल देते हैं उसको। तो डिफरेंट टाइप के रूल आप इसी फार्मूला, आपको फोकस किस पर रखना है, इस इक्वेशन पर, पीवी इजिकल टू एनआरटी, और पीवी इजिकल टू एनआरटी के हिसाब से आपने चेंज करना है सारा, पीवी इजिकल टू एनआरटी के हिसाब से आपने चेंज करना है। तो ये चेंज कैसे होगा देखते हैं अब हम। इसमें आपका मेन जो होंगी बेटा वो प्रॉब्लम आएगी आपके पास। हाँ टी वाले में एक बात और बता दूं, टेम्परेचर कैलविन में लिया हुआ है, सपोज आप डिग्री सेल्सियस में लेते हो तो वी टी इक्वल टू वी जीरो प्लस वी जीरो का टी अपॉन 273 टाइम्स इंक्रीज होगा वॉल्यूम, मतलब पर डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम कितना इंक्रीज होगा, इतना ऐड कर देंगे, जितना वी जीरो है, वी टी क्या है, वॉल्यूम ऑफ गैस एट टी टेम्परेचर, टी डिग्री सेल्सियस अगर डिग्री सेल्सियस में लेना है, और वी नॉट क्या है, वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस। नाउ यू कैन सी दिस, इफ वी टेक सम एग्जांपल फॉर मोर क्लेरिफिकेशन, देन सपोज इफ 5% इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस, देन हाउ मच डिक्रीज इन इट्स प्रेशर, हाउ मच डिक्रीज इन इट्स प्रेशर फॉर सेम अमाउंट ऑफ गैस एट सेम टेम्परेचर, एट सेम टेम्परेचर, अमाउंट भी सेम है और गैस का जो है टेम्परेचर भी सेम है, सिर्फ प्रेशर और वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, देन आप जो है कैसे करेंगे, देखो कि इस तरह का प्रॉब्लम आ गया, दोनों तरीके सिखाऊंगा मैं आपको, कि आपको देखो एक तो क्वेश्चन जो पूरा सोल्व करना है आपने, सोल्व करके देखना है कि भाई कितना क्या क्या चेंजेस करने हैं आपने, और एक मैं डायरेक्ट ट्रिक से भी सिखाऊंगा आपको, बट पहले पूरा एक्सप्लेन कर लेते हैं, डायरेक्ट ट्रिक बाद की बात है। तो देखो यू कैन सी ये आइडियल गैस है, ये वर्ड देख के आप क्या लगा सकते हो, कोई भी आइडियल गैस इक्वेशन जो है आपके पास, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, यू कैन यूज पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ऑलवेज ऑलवेज आप आइडियल गैस कहीं भी देखते हो तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप मूव करोगे, आइडियल चार्ल्स बॉयल्स उसको सोचने की जरूरत नहीं है, आप तो बस ये यूज करो पीवी इज इक्वल टू एनआर। अब देखो इफ 5% इंक्रीज इन वॉल्यूम है, पहले वॉल्यूम दे रखा है हमें और हमें प्रेशर देखना चाहते हैं, तो इट मींस बाकी सब चीजें कांस्टेंट होंगी, तो मैं इक्वेशन बना सकता हूं पी इनिशियल वी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल वी फाइनल, पी इनिशियल वी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल वी फाइनल। सपोज प्रेशर पहले वाला पी ले लेते हैं अपने, और वॉल्यूम ले लेते हैं 100 V परसेंटेज है तो ये बेस्ट रहेगा, 100 V ले लेते हैं, और पी फाइनल आपको निकालना है, तो पी फाइनल निकालना है तो बेटा वी फाइनल देखो 5% इंक्रीज हो गया है तो ये 105 V हो गया, सबसे इजी वे, तो वी से वी कैंसिल हो गया, फाइनल प्रेशर आपके पास आ जाएगा 100 P, 100 P अपॉन 105, ये 20, ये आपका 20 कितना हो गया, 21, ये आपका 21 आ गया, सपोज ये आपका पी फाइनल आ गया। अब आपको तो डिक्रीज देखना है, तो डिक्रीज इन प्रेशर कितना हुआ, डिक्रीज इन प्रेशर, तो डिक्रीज इन प्रेशर कितना होगा बेटा, पहले आपका प्रेशर कितना था, पी था, और तो डेल्टा पी निकाल लो, डेल्टा पी पहले पी था, पी में से अब कितना रहेगा, 20 P अपॉन 21,
21 तो कितना हो गया ये हमारे पास, ये आपके पास आ गया 1p/21। अब आपको परसेंटेज डिक्रीज निकालना है, परसेंटेज डिक्रीज क्या होगा, डेल्टा पी इतना चेंज आया है, पहले आपका पी इनिशियल इतना था इनटू 100, ऐसे करोगे आप तो इस देन यू सोल्व दिस प्रॉब्लम। डेल्टा पी इज इक्वल टू पी अपॉन 21 इनटू फिर कितना आ गया, पहले कितना था पी इनिशियल पी था इनटू 100, तो ये पी से पी किया आपने तो ये कितना आ गया, देखो 21 से आप करोगे तो ये आपका आ जाएगा 100। 21 तो 4 पे जाएगा पहले, 4 4 वन जा 4, 4 टू जा 8, और ये चला गया आपका 6, और ये चला गया 1, 160 फिर आ गया, 160 आ गया तो कितना कर सकते हो, 8 टू जा 16, तो अप्रोक्सीमेट आपका 4.8, तो हमारा कितना परसेंटेज आ गया, इसका मतलब 4.8% डिक्रीज हो गया। तो देखो दिस इज द डिलेमा इन द माइंड ऑफ मोस्ट ऑफ स्टूडेंट, इफ वी इंक्रीज ऑफ 5% इन वॉल्यूम देन वो सोचते हैं कि भाई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम प्रेशर, तो डिक्रीज भी 5% होगा, ऑप्शन में लिखा भी होगा 5%, लेकिन ऐसा नहीं होता बेटा। कैलकुलेशन करोगे तो समझ आएगा आपको कि अगर आपने वॉल्यूम में 5% इंक्रीज कर दिया है तो प्रेशर डिक्रीज 5 नहीं होगा, अगर डिक्रीज है तो 5 से कम होगा कुछ, जो आंसर थोड़ा सा कम हो 5 से वो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, तो इतना मशक्कत भी नहीं करना पड़ेगा आपको, और यू कैन चूज डायरेक्ट द आंसर। इफ 5% इंक्रीज इन वॉल्यूम और डिक्रीज इन प्रेशर निकालना है, आंसर इज नॉट 5%, अगर डिक्रीज है तो 5 से कम होगा। अगर यही क्वेश्चन बच्चों में आपको ऐसे दे देता कि भाई 5% डिक्रीज हुआ है वॉल्यूम, 5% डिक्रीज हुआ है वॉल्यूम में और प्रेशर चाहिए हमें कितना इंक्रीज होगा, तो 5 नहीं आएगा, आप इंक्रीज साइड में जाओगे तो 5 से थोड़ा सा इंक्रीज दिखाना है आपको, मतलब जो आंसर 5 पॉइंट समथिंग होगा तो वही आपका आंसर आएगा और आप डायरेक्ट सोल्व कर सकते हो। सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम आर कॉमन टू आस्क इन योर एग्जाम, तो इस तरह का प्रॉब्लम आप ट्रिक भी ध्यान रखोगे और साथ में आप सॉल्व भी करोगे। कोई प्रॉब्लम बेटा यहाँ तक कर लोगे इस तरह का प्रॉब्लम? यस सर। नेक्स्ट चलो, और दूसरे टाइप का प्रॉब्लम क्या आता है आपका कि सपोज आपसे ये बोला गया, कई बार हमें कहते हैं कि कितना वॉल्यूम हमने एस्केप कर दिया है, इतना अमाउंट हमने स्केप कर दिया है और अब देखो बाकी अमाउंट कितना बचेगा, इस तरह की प्रॉब्लम आ जाए हमारे पास, तो इस तरह की प्रॉब्लम को हम कैसे करेंगे। दूसरे टाइप का जो आएगा प्रॉब्लम वो डिस्कस कर रहा हूं मैं आपसे। सपोज ऐसा दे देते हैं कि इफ इफ एन आइडियल गैस इज हीटेड इन ओपन वेसल, फ्रॉम टेम्परेचर 4, ऐसे लिख दो 27 डिग्री सेल्सियस टू 127 डिग्री सेल्सियस, देन हाउ मच परसेंटेज इज एस्केप ऑफ गैस। ये काफी पॉपुलर क्वेश्चन होते हैं बेटा, इस तरह के क्वेश्चन जो है बहुत पॉपुलर होते हैं कि आपने कोई आइडियल गैस लिया और उसको हीट कर दिया ओपन वेसल्स में 27 से 127 डिग्री सेल्सियस तक, और आपको ये बताना है कितना परसेंटेज जो गैस का है वो एस्केप हुआ। पहले कॉन्सेप्चुअल बात कर लेते हैं फिर हम ट्रिक से भी सीख लेंगे। देखो कॉन्सेप्ट बेटा ये आपका कि कोई भी हमारे पास ओपन वेसल्स हो, कोई भी हमारे पास ओपन वेसल्स है उसमें गैस भरी होगी, ये गैस भरा, और सपोज पहले वो 27 डिग्री सेल्सियस पर वो गैस उसके अंदर भरा हुआ, अब हमने क्या किया उसको हीट करना स्टार्ट किया, तो हीट करना स्टार्ट किया तो अब क्या सीन होगा जरा देखो, आप ऑब्जर्व करो वेसल्स तो वही है, और उसी वेसल्स को जैसे ही आप हीट करोगे तो 127 डिग्री सेल्सियस पर गैस फैलनी स्टार्ट होगी, तो फैल के कुछ गैस बाहर आ जाएगा आपको, लेकिन जो अंदर गैस होगा वापस वही वॉल्यूम ले लेगा, कंटेनर का वॉल्यूम ही अंदर वाला गैस होगा। तो इट मीन्स जब भी इस तरह का प्रॉब्लम आए बेटा तो आप इस P1 V1 से मत सोल्व करना, बहुत सारे स्टूडेंट इससे सोल्व करते हैं, इससे सोल्व मत करना,
इससे सोल्व नहीं करना हमको, बिकॉज जो है ऐसा क्यों नहीं सोल्व करेंगे कि एक्चुअल में ये क्या है कि हमारे पास बाकी चीज का हमें नहीं आइडिया कि एटमोसफेयर में प्रेशर की क्या कंडीशन है, वॉल्यूम कितना हो गया है, गैस यहाँ भी रखा हुआ है, यहाँ भी रखा हुआ है। बट एक पॉइंट बड़ा क्लियर है बेटा कि यहाँ पर सपोज आपका इनिशियल अमाउंट एन था, मोल एन थी, इनिशियल मोल थे एन, तो यहाँ जो आपके या मैं कह दूं कि एन इनिशियल थे, तो यहाँ अमाउंट रह जाएंगे एन फाइनल और ये कुछ बाहर चले जाएंगे एन एस्केप। लेकिन एन एस्केप्ड और एन इनिशियल ये क्लियर है कि हमेशा कांस्टेंट रहेगा, अमाउंट कभी भी चेंज नहीं होता है। तो एन इनिशियल इज इक्वल टू एन फाइनल जो इस यहाँ रखे हुए हैं, एन फाइनल और यहाँ पर आ जाएगा आपका एन एस्केप, कितना बाहर चला जाएगा। ये कॉन्सेप्ट हमेशा हमेशा के लिए हमारा काम कर सकता है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एन एस्केप्ड कितना हुआ है, कितना अमाउंट एस्केप्ड हुआ है। तो कितना अमाउंट एस्केप्ड हुआ है तो हम ये यहां से निकाल सकते हैं भाई एन एस्केप। तो एन एस्केप से अब एक काम करते हैं हम कि यहां पर एन इनिशियल एन फाइनल एन एस्केप निकालना है, तो एन एस्केप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन इनिशियल माइनस एन फाइनल। और हमें चाहिए परसेंटेज एन एस्केप का, तो एन एस्केप का परसेंटेज चाहिए, तो हमें चाहिए एन एस्केप एन इनिशियल। तो ये हो गया एन एस्केप कितना हुआ, एन इनिशियल माइनस एन फाइनल अपॉन एन स्केप। तो अब एक चीज तो बेटा यहाँ क्लियर है कि एक चीज हमारे पास यहाँ क्लियर है कि यहाँ पर देखो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, और इस वेसल्स के अंदर देखें तो एन भी चेंज हो रहा है, मतलब एन इनिशियल यहाँ और एन फाइनल यहाँ में टेम्परेचर चेंज हुआ है, तो टेम्परेचर चेंज हुआ है तो एन भी चेंज हुआ है यहाँ इस जगह पे, क्योंकि बाहर चला गया कुछ है। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट, आप पीवीजिकल टू एनआरसी एनआरटी देखोगे, पीवीजिकल टू एनआरटी एंड यू कैन सी द रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर। तो नंबर ऑफ मोल एंड टेम्परेचर एन और टी का रिलेशन, पीवीजिकल टू एनआरटी। तो एन निकालोगे आप तो ये सारी वैल्यू यहां पुट कर सकते हैं, तो पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा एन इनिशियल, तो उल्टा लिखना पड़ेगा ना, देखो जहां एन इनिशियल आया है वहां हमें क्या लिखना पड़ेगा टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो टी टी फाइनल टी इनिशियल अपॉन टी फाइनल। आज में हम डायरेक्ट ट्रिक से कर लेंगे, पहले पूरा हम डिटेल सीख रहे हैं कि एन एस्केप हुआ, तो एन एस्केप हुआ तो एन इनिशियल ज्यादा था आपका, मतलब टेम्परेचर कम था, एन इनिशियल ज्यादा था, फिर एन फाइनल अपॉन एन टी आ गया। तो देखो अगर मैं पी वी इज इक्वल टू एन आर टी करता, मतलब इस जगह रख देते हैं अपने पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, तो हमें एन की वैल्यू चाहिए, तो एन क्या आएगा बेटा पी वी अपॉन अपॉन आर ये हो गया। और इधर देखें हम स्केप करके आप निकाल रहे हो तो वन माइनस एन फाइनल अपॉन एन इनिशियल आ रहा है, परसेंटेज चाहिए तो हंड्रेड से मल्टीप्लाई भी कर देना, तो एन फाइनल की जगह क्या लिख सकता हूं, तो एन फाइनल मेरे पास देखो क्या आ जाएगा एन फाइनल इज इक्वल टू प्रेशर और वॉल्यूम, पीवी कॉन्स्टेंट है हमारे पास, टेम्परेचर चेंज कर रहे हो तो आर टी फाइनल, और एन इनिशियल क्या आएगा हमारे पास जो नीचे वाला है वो पी वी अपॉन आर टी इनिशियल। तो यहां मैं रखूंगा तो उल्टा हो जाएगा ना, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास डायरेक्ट वन माइनस टी इनिशियल अपॉन टी फाइनल इंटू हंड्रेड। तो जब भी इस तरह का प्रॉब्लम आए बेटा, अब ये सारा ये तो डेरिवेशन हो गया, अब आपके पास जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ओपन वेसल्स हो, ओपन वेसल्स होगा एंड आप यू वॉन्ट टू हीट सम जो है आपके पास गैसेस हैं, आप हीट करना चाहते हैं, यू वांट टू हीट सम गैसेस, देन यू कैन गो बाय दिस मेथड डायरेक्ट, आप हाउ मच परसेंटेज एस्केप बाहर निकलने वाला परसेंटेज निकालना है डायरेक्ट, यू कैन डू बाय दिस फार्मूला वन माइनस टी इनिशियल अपॉन टी फाइनल इनटू हंड्रेड, यू कैन यूज डायरेक्ट दिस फार्मूला, नो नीड टू डिराइव फॉर ऑल दिस थिंग, दैट इज द ओनली फॉर योर नॉलेज। तो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो, जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था, या तो आप ऐसे करते जाओगे यहां तक पहुंचोगे, तो फॉर जो है
टाइम सेविंग, फॉर टाइम सेविंग यू कैन डायरेक्ट यूज वन माइनस टी आई माइनस टी एफ इंटू हंड्रेड. देन व्हाट इज योर आंसर? योर आंसर इज परसेंटेज कितना एस्केप हुआ है, वन माइनस टी इनिशियल. ऑलवेज यूज टी इन केल्विन. टी इनिशियल 27 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 ऐड कर दो, 300. 127 मतलब 400 इंटू 100. वन स्टेप प्रोसेस हो जाएगा, फिर 4300 हो गया आपके पास, ये आपके पास 400 हो गया इंटू 100 हो गया, तो ये कैंसिल हो गया, ये आपका 25% आपका एस्केप हो गया, बाहर बाहर चला गया, बाहर जो अमाउंट गया है वो 25. तो यू आर सपोज टू नीड डायरेक्ट दिस फार्मूला इफ यू कैन सी दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम इन योर एग्जाम, वन माइनस टी इनिशियल अपॉन टी फाइनल इंटू. क्लियर बेटा? किसी को कोई डाउट हो P1V1 से मत करना, वहां कई बार कैलकुलेशन में डिस्टर्ब हो जाता है. एक्चुअली प्रेशर तो चेंज हुआ ही नहीं है ना, जब भी ओपन वेसल्स होगा तो प्रेशर तो सेम ही होगा, तो कैसे यूज कर सकते हैं पीवी? कई बच्चे यूज कर लेते हैं, तो ये यूज नहीं करना. क्लियर? क्लियर है बेटा? आगे चलें. क्या बात, आज शांत कैसे बैठे हो, कोई आज रिस्पॉन्स नहीं कर रहे? यस सर, यस सर. देन बेटा एक तो आपके आइडियल गैस इक्वेशन की आती है, दूसरा फिर यहाँ पर आपके पास दो टाइप के लॉज के बारे में प्रॉब्लम आती है. एक लॉज होता है डाल्टन्स, इसको बोलते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर. डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंग देखो होता क्या है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी. अगर मैं एक ओपन क्लोज वेसल्स ले लेता हूं, ये क्लोज वेसल्स, और क्लोज वेसल्स ले लिया तो इसका मतलब हो गया वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, अब इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा. वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया और टेम्परेचर कांस्टेंट ले लेते हैं. जब वॉल्यूम और टेम्परेचर आप कांस्टेंट लोगे तो रिलेशन तो सिर्फ पी और एन के बीच बचा आपका, प्रेशर एन, और इस पर डिफरेंट टाइप गैसेस रख लेते हैं यहां पर. तो डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस रखोगे, जिसके नंबर ऑफ मोल ज्यादा होंगे, मान लो गैस ए है और एक गैस बी है, तो जिसके नंबर ऑफ मोल ज्यादा होंगे उसका प्रेशर भी ज्यादा होगा. इसका प्रेशर इसके मोल बनाएंगे, इसका प्रेशर इसके मोल बनाएंगे, टोटल प्रेशर क्या लिख दोगे आप? टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी. टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, टोटल प्रेशर. और किसी का भी इंडिविजुअल का प्रेशर बनाओगे तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल के होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल के है. अगर रिलेट करना चाहे टोटल प्रेशर में कितना पार्ट होगा, तो P इंडिविजुअल का जितना मोल मतलब मोल फ्रैक्शन है इनटू टोटल प्रेशर, इससे भी निकाल सकते हो. किसी का भी इंडिविजुअल प्रेशर जो है उसके मोल फ्रैक्शन और टोटल प्रेशर का मल्टीपल है. किसी के इंडिविजुअल प्रेशर निकालना है तो ऐसे निकालो, टोटल प्रेशर निकालना है तो आप ऐसे निकालो. सपोज जैसे हमारे पास प्रॉब्लम है, इफ टू मोल ऑफ CH4 एंड वन मोल ऑफ H2 इज टेकन इन क्लोज्ड वेसल्स, इज टेकन इन क्लोज वेसल्स, टोटल प्रेशर इज सपोज 2 atm. कैलकुलेट इंडिविजुअल प्रेशर. और सपोज H2, तो हमें H2 का इंडिविजुअल का प्रेशर निकालना. तो H2 के कितने मोल है? देखो दो तरीके हैं इसके. देखो दोनों का रेशियो क्या है, 2:1, इसके 2 मोल हैं. अब देखो वर्बली क्वेश्चन भी सोल्व हो सकते हैं, जैसे मैंने बोला इट इज वेरी इजी चैप्टर, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली अगर आप स्ट्रॉन्ग हो तो बहुत ईजी. तो टोटल देखो मोल कितने, 2:1, और
जो आपका ये प्रेशर है एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जो प्रेशर का रेशियो, जो मोल का रेशियो आएगा वही तो प्रेशर का रेशियो आएगा। और टोटल प्रेशर कितना है, अब देखो इसको 2 atm है टोटल प्रेशर, अगर मैं इसको 3 atm कर देता तो 2 atm का 1 part होगा H2 का और 2 part होगा इसका, सीधा सा भी सोचे तो प्रेशर निकालना है तो बहुत ही ईजी हो जाएगा कि 2 का, जैसे अगर हमारे पास टोटल 3 है तो 3 में ये 2 आएगा, 3 के अंदर 2 part इसका है, तो 2 में से कितना पार्ट, अगर टोटल मोल है 3, 3 मोल में आपका H2 कितना है, देखो इन 3 मोल H2 है आपका 1 मोल, तो आपके टोटल अगर 2 हो जाए, 2 मोल तो कितना हो जाएगा 1/3 × 2, तो 2/3, तो यही हमें निकालना है, 2/3 part इसका हो जाएगा। और ऐसे नहीं कर पाते हो आप, अगर आप ऐसे कैलकुलेशन नहीं हो पाता फिर फार्मूला लगाओ ये वाला, इंडिविजुअल का प्रेशर है इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर, तो इंडिविजुअल का प्रेशर मोल फ्रैक्शन क्या होंगे, नंबर ऑफ मोल हाइड्रोजन का 1, टोटल नंबर ऑफ मोल 3, टोटल प्रेशर 2, आया तो वही देखो ना 2/3। कई बार तो ऐसा होता है कि हमें कैलकुलेशन का नीड ही नहीं होता कि भाई टोटल प्रेशर 2 atm दिया हुआ है, 2 atm दिया हुआ है और देखो ये रेशियो है 2:1, तो अगर 3 होता तो इसका प्रेशर होता 1, 3 में से, 3 में से प्रेशर होता 1, तो 2 में से कितना, 2/3, ये नहीं करना है तो फार्मूला। तो ये डाल्टन प्रेशर होता है कि डाल्टन के अकॉर्डिंग अगर गैसेज आपस में रिएक्ट नहीं करती तो देन हम उनके प्रेशर ऐसे कैलकुलेट कर सकते। सर ये फर्स्ट और वाला कैसे एक बताया था आपने, आपका जो है, सर ये पहले वाला कैसे अरे बताया था, रिपीट करना बेटा, पहले सर ये, वाला, हाँ ये वाला जो बताया था आपने। अच्छा मैंने देखो ये कहा है कि हमें ये पता है कि अगर आपका देखो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n होता है, तो जिसके n ज्यादा होंगे तो उसका प्रेशर ज्यादा होगा, और किस रेशियो में होगा, जो n का रेशियो आएगा उसी में, देखो इधर कितने मोल है CH4 के, 2 मोल है ना यहाँ पर, और हाइड्रोजन के 1 मोल है, तो टोटल मोल कितने हो गए मिक्सचर के, 3 मोल, 3 मोल में से H2 का पार्ट कितना है 1 मोल, 3 में से 1 है, अब जो प्रेशर का भी तो यही होगा, अगर टोटल 3 atm होता तो 1 atm इसका प्रेशर होता, 2 atm इसका होता, लेकिन उसने टोटल प्रेशर 3 atm नहीं दिया, हमें कितना दे दिया 2 atm, तो 2 atm का 1/3 हाइड्रोजन आ जाएगा, क्योंकि 1/3 ही है ना, देखो टोटल कितना है 2 और 1 3, 3 में से इसका हाइड्रोजन का पार्ट कितना है 1, तो कितना पार्ट है इसका 1/3 part है, तो जितना भी प्रेशर है उसका 1/3 ही होगा, तो 2 का 1/3 आ गया। तो मतलब यह क्वेश्चन आपको सोल्व करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, सीधा ऑप्शन पे चले जाओगे आंसर दिख जाएगा आपको कि टोटल हिस्सा जो है टोटल 3 में से 1 part इसका दिखाई दे रहा है, मतलब 3 में से 1 है तो 1/3 इसका हो गया ना हाइड्रोजन का, 1/3 इसका हो गया, तो टोटल प्रेशर कितना दे रखा है 2 atm, तो 2 का 1/3 सीधा टिक कर दो ऐसे ही। अब मुझे आंसर दो, देखो मैं इसी केस के अंदर आपसे पूछता कि CH4 का प्रेशर कितना होगा तो क्या आंसर आता बेटा, आंसर दो मुझे विदाउट कैलकुलेशन, कैलकुलेशन नहीं चाहिए, नो नीड ऑफ कैलकुलेशन, मैं डायरेक्ट पूछना चाहता हूँ आपको, माइंड कैलकुलेशन पूछना चाहता हूँ कि इसी केस के अंदर मैं कह देता कि अगर मीथेन का प्रेशर चाहिए तो कितना आएगा, कैसे निकालोगे, क्या आंसर होगा, 4/3, 4/3, 4/3, बिल्कुल सही, कैसे किया आपने, देखो 2 मोल इसके हैं 1 मोल इसके हैं, तो टोटल मोल कितने हो गए 3, 3 में से इसका कितना पार्ट है 2 मोल, मतलब 2/3 है इसका, तो जितना भी प्रेशर होगा उसका 2/3 आंसर देना है, तो हमारे पास प्रेशर कितना था 2, तो यहां लिख देते 2/3 × 2, वेरी सिंपल, क्लियर, यस सर, नेक्स्ट देखो बेटा, फिर आप फिर एक अभी जो हम प्रॉब्लम करने जा रहे हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है, वहां से आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, वो है हमारा ग्राहम्स डिफ्यूजन लो, ग्राहम्स डिफ्यूजन लो काफी चांसेस रहते हैं पूछने के, काफी मैंने ऑब्जर्व किया है कि ये आता है काफी आपका, देखो नेक्स्ट नेक्स्ट है ग्राहम्स डिफ्यूजन, मतलब डिफ्यूज कैसे होती है गैस, एक जगह से दूसरी जगह गैसेस कैसे जाती है, जैसे मान लो ये गैस रखी हुई है, ये कोई गैस अलग अलग भी हो सकती है, इस जगह से इस गैस को बाहर जाना है तो उसका रेट क्या होगा, कैसे जाएगा, तो वैसे तो वेरी सिंपल है कि किसी भी गैस का जो रेट होता है डिफ्यूजन, या इफ्यूजन वर्ड भी आ जाता है कई बार, डिफ्यूजन या इफ्यूजन, इफ्यूजन का मतलब होता है छोटी सी प्लेस से गैस को
भेजना, और डिफ्यूजन मतलब बड़ी जगह से गैस को भेजना, जैसे हवा एक रूम से दूसरे रूम में चली गई तो डिफ्यूजन हो गया, और अगर मान बैलून में एक पिन कर देते हैं तो डिफ्यूजन हो गया, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो रेट जो होता है आपका, वो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रेशर होता है बेटा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल मोलर मास ऑफ गैस होता है। मतलब गैस जितनी भारी होगी उसका रेट धीरे होगा, धीरे चलेगी, और गैस पर जितना ज्यादा प्रेशर लगेगा उतना तेज चलेगा। ये आप दोगे एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पी एम, एम की जगह कई बार आप वेपर डेंसिटी भी लिख सकते हो, एम और डी। यहां पर एम जो रिप्रेजेंट कर रहा हूं, या एम डैश लगा लो, एम डैश होगा मोलर मास ऑफ गैस, और जो आपका डी स्टैंड कर रहा है वो वेपर डेंसिटी ऑफ गैस, वेपर डेंसिटी ऑफ गैस। यू नो वेपर डेंसिटी जो होती है वो मोलर मास का हाफ होती है, मोलर मास जो होता है वेपर डेंसिटी का हाफ होता है। तो डी भी लिख सकते हैं, एम भी लिख सकते हैं, पी प्रेशर है, लेकिन ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे, आर रेट, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस। तो अगर आपको दो गैसेस का रेट कंपेयर करना हो तो आप लिख सकते हो, आप डायरेक्ट फार्मूला याद रख सकते हो, ये आर वन अपॉन आर टू इज इक्वल टू, हमेशा ये याद रखना, पी वन अपॉन पी टू, अगर प्रेशर सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, प्रेशर भी सेम है तो एम टू अपॉन एम वन, एम टू अपॉन एम। और रेट जो है, रेट अलग से करना चाहती हूँ तो रेट का मतलब है कितना वॉल्यूम या कितने मोल जो गैसेस के हैं वो डिफ्यूज हो रहे हैं, तो रेट इज इक्वल टू एन बाई टी लिख सकते हो, या वी बाई टी लिख सकते हो, या डिस्टेंस कवर हो रहा है तो एल बाई टी भी लिख सकते हो, किसी का रेट एल बाई टी भी लिख सकते हैं। एन का मतलब गैस की मोल, वी का मतलब वॉल्यूम, कितना ये कौन से मोल और वॉल्यूम कौन से हो रहे हैं जो डिफ्यूज हो रहे हैं, जो आपके मोल और वॉल्यूम डिफ्यूज होंगे। टी का मतलब टाइम, एल का मतलब डिस्टेंस भी ले सकते हो आप, कि कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, वो आप निकाल सकते हो, जो आपकी कंडीशन होगी उसके अकॉर्डिंग हम निकाल लेंगे उसको। कैसे, ये काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे ज्यादातर पूछा जाता है ये क्वेश्चन, क्योंकि इसमें बच्चों से जो है मिस्टेक हो जाती है कैलकुलेशन में, ऊपर वाली चीज नीचे कर देता है, नीचे वाली ऊपर, तो इसलिए पूछता है वो। कैसे, देखो सपोज एग्जांपल लेते हैं, लेट मी टेक सम एग्जांपल, सपोज वी हैव टू गैसेस, हाइड्रोजन एंड हीलियम, and both gases are diffused from this hole, और आपका जो है ये कह रहा है कि हाइड्रोजन is diffused in, हाइड्रोजन या इसका अमाउंट दे दो 50 मिलीलीटर, हाइड्रोजन इज डिफ्यूज इन 5 मिनट, और 50 मिलीलीटर हाइड्रोजन इज डिफ्यूज इन 5 minutes. So, how much time is taken in diffusion of 50 milliliter helium gas under similar condition? बाकी सब कंडीशन सिमिलर है, तो कैसे हम गो थ्रू करेंगे बेटा, आपके पास पहला फार्मूला है, दो गैसेज हैं, तो हीलियम का सपोज इसको वन ले लेते हैं, हाइड्रोजन को, हीलियम को टू ले लेते हैं, तो आर वन अपॉन आर टू इज इक्वल टू पी वन अपॉन पी टू एम टू अपॉन एम वन, पहला फार्मूला यहीं से क्लियर। अब आइडेंटिकल या सिमिलर कंडीशन दे रखी है तो प्रेशर दोनों सेम होगी, और R वॉल्यूम के टर्म में निकालना है तो हम ले लेते हैं V1 अपॉन V1, V2 अपॉन V2 इज इक्वल टू
P1 अपॉन P2, M2 अपॉन M1। अब जो चीजें सिमिलर है वो कैंसिल आउट कर दो, सिंस V सिमिलर है, देखो हाइड्रोजन भी 50 मिलीलीटर डिफ्यूज करना है, हीलियम भी 50 मिलीलीटर डिफ्यूज करना है, तो V कैंसिल हो गया, V1 इज इक्वल टू हो गया V2। और दूसरा देखो सिमिलर कंडीशन है तो प्रेशर भी सिमिलर हो गया, P1 इज इक्वल टू P1 इज इक्वल टू P2। अब इसका मतलब ये भी कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया, तो फार्मूला क्या रहेगा, T2 अपॉन P1 इज इक्वल टू M2 अपॉन M1। नाउ वी कैन सॉल्व इट, T2 टेम्परेचर टाइम आपको कैलकुलेट करना है, यू वांट टू कैलकुलेट T2, T1 इज गिवन 5 मिनट इज इक्वल टू M2 अपॉन M1, M1 किसको लिया, हाइड्रोजन को, हीलियम को, ये तो 4 हो गया बाय 2 हो गया, तो ये कितना हो गया, तो अंडर रूट 2 की वैल्यू रख दोगे, T2 इज इक्वल टू ये हमारे पास 5√2 मिनट। ये कैलकुलेशन है, बट एग्जाम में बेटा यू आर सपोज यू नीड टू सम मोर फोकस, बिकॉज यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो जाती है, ऊपर नीचे कर देते हैं और इस मिस्टेक का पता ही नहीं लगता, ये मैनुअल एरर होती है, ये एरर हो जाती है। बट अगर आइडेंटिकल कंडीशन नहीं दे और प्रेशर अलग अलग दे तो आपको प्रेशर का भी ध्यान रखना है, कैसे, जैसे मैं एग्जाम्पल और शेयर करता हूँ आपको, 2-3 एग्जाम्पल कर लेते हैं इसके। तो कुछ वैरायटी ऑफ क्वेश्चन में डिस्कस करता हूं आपसे, सपोज एक प्रॉब्लम ये आ गया, सपोज ये ट्यूब है, इसका लेंथ है 10 सेंटीमीटर और यहां पर रखा है हमने अमोनिया, यहां पर रखा है HCl, इन दोनों गैसेस को साइमल्टेनियसली हमने पास कर दिया, एक इधर से, हमें ये पता करना है कि x डिस्टेंस पर, सपोज x सेंटीमीटर पर ये दोनों मिल गए, दोनों मिलके इन्होंने NH4Cl व्हाइट क्लाउड बना दिया, इस डिस्टेंस पर व्हाइट क्लाउड मिला दिए, दोनों मिलने के बाद व्हाइट क्लाउड कर दिया, तो ये x डिस्टेंस निकालना है आपको, इधर प्रेशर दे दिया 2 atm और इधर प्रेशर दे दिया 1 atm, तो अब हमें शॉर्ट आउट करना है, तो हमें शॉर्ट आउट करना है तो क्लियर है, इसको सपोज 1 ले लो आप, इसको सपोज 2 ले लो, तो अब की बार देखो आपका फार्मूला तो R से ही स्टार्ट होगा, लेकिन रेट जो निकालना है डिस्टेंस से निकालना है, तो आप क्या लिख सकते हो, फर्स्ट तो ये कह सकते हो ना, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू P1 अपॉन P2 अंडर रूट M2 अपॉन R1, डायरेक्ट नहीं निकालना, रेट नहीं निकालना है हमें, तो डिस्टेंस निकालना है, तो लिख सकते हैं L1 अपॉन T1 इज इक्वल टू L2 अपॉन T2। सपोज x को ले लिया आपने L1 और इधर आ गया P1 अपॉन P2 अंडर रूट M2 अपॉन। नाउ व्हाट हैपेंस, यू कैन सी हियर कि जब दोनों मिलेंगी तो दोनों का टाइम तो सेम टाइम पे मिलेंगे आपको, मान लो मैं घर से निकला हूँ 8:30 बजे और एक मेरा फ्रेंड निकला अपने घर से सुबह 5 बजे और हम दोनों एक जगह पे मिले 10 बजे मिले, दोनों हैंडशेक कर रहे हैं, दोनों तो दोनों हैंडशेक कर रहे हैं, वो टाइम तो दोनों का सेम है ना, इसका मतलब जो टाइम है जिस टाइम पे ये चीज बनेगी वो दोनों के लिए सेम, तो टी कैंसिल हो गया, हेयर T1 इज इक्वल टू T2 हो गया, तो L1 अपॉन L2, L कितना है देखो x सेंटीमीटर, L2 कितना है 10 माइनस x हो गया, इधर वाला टोटल 10 है तो ये x हो गया, तो ये 10 माइनस x हो गया, इज इक्वल टू प्रेशर देखो P1 अपॉन P2। अब देखो यहां पर प्रेशर हम इक्वेट कैंसिल आउट नहीं कर सकते, बिकॉज कंडीशन ऑफ प्रेशर आर डिफरेंट, इस फर्स्ट कंडीशन के लिए 2 atm है और यहां पर, दैट्स व्हाई हमें प्रेशर यूज करना होगा आपके, P1 अपॉन P2, तो P1 कितना आ रहा है 2 atm और इस साइड को P2 ले रहे हो, इधर है 1 atm तो देना पड़ेगा हमें। M1 अपॉन M2 देखो M1 है ये 17 और HCl होगा 35.5 और 36.5, देन यहाँ के आने के बाद भी देखो कैलकुलेशन इजी नहीं है, अंडर रूट में जा रहा है, तो अब क्या अप्रोक्स लगा दिया करो आप, अप्रोक्स कैसे लगाओगे, 17 × 2 = 34 होता है, तो ये अप्रोक्सीमेट 2 पे तो जाएगा अगर काट दूंगा, और अंडर रूट 2 की वैल्यू 1.4 है लेकिन उससे थोड़ी सी वैल्यू ज्यादा आएगी, तो 1.4 होती है तो हम 1.5 ले लेते हैं,
तो x तो हमारा थोड़ा इजी हो जाएगा कैलकुलेशन, 10 माइनस x इज इक्वल टू 2 इंटू 1.5। अब आप इसको शॉर्ट आउट कर लो तो आपके पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 1.5 इंटू 2 3 30 माइनस 3x, ये हो गया 4x इज इक्वल टू 30, तो x इज इक्वल टू 7.5। तो ये डिस्टेंस आ गया, देखो इसका मतलब जो ये यहां से लेके यहां डिस्टेंस था वो 7.5 सेंटीमीटर। 7.5 सेंटीमीटर पे क्लाउड प्रिपेयर हुआ, देखो यहां पर आपका क्लाउड प्रिपेयर हुआ। ये जो है हम क्लाउड निकाल सकते हैं यहां पर कि भाई क्लाउड कितना आएगा। तो इस टाइप के भी प्रॉब्लम आते हैं, तो प्रेशर का भी ध्यान रखना है, अगर प्रेशर सेम हो तो कैंसिल आउट कर देना है, सेम नहीं हो तो फिर आपने रख लेना है बाकी कैलकुलेशन। और अंडर रूट को होश के वहीं खत्म किया करो, ज्यादा बेटर रहेगा, अप्रोक्सीमेट करके खत्म कर दिया तो कैलकुलेशन ईजी आ जाता है। इसी टाइप से इस प्रॉब्लम को मैं ऐसे लिख देता। अब हम इसको ऐसे रख देते हैं कि सपोज इफ 2 ग्राम H2 एंड 3 ग्राम हीलियम आर डिफ्यूज फ्रॉम वेसल्स, आर डिफ्यूज फ्रॉम वेसल्स एट सेम टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर इफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन इज एक्स, देन कैलकुलेट रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम। दैट इज द अनदर पॉसिबिलिटी ऑफ क्वेश्चन, दैट इज द अनदर पॉसिबिलिटी। देर आर अमेजिंग पॉसिबिलिटी टू सोल्व दिस प्रॉब्लम। इट इज नॉट ओनली बेस्ड अपॉन दिस फार्मूला, बट हाउ कैन वी पुट द वैल्यू ऑफ इन दिस फार्मूला, दैट्स मैटर। अब देखो इसमें क्या कंडीशन है, क्या डिफरेंस है पहले दोनों क्वेश्चन से, मैंने क्या डिफरेंस डाला है। तो इस डिफरेंस को आप नोट करेंगे तो सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। तो बेटा बता सकते हो मैंने डिफरेंस क्या किया है पहले से इसमें क्वेश्चन में, या आप उसको पहले जैसा ही करोगे, या आपको कोई डिफरेंस नजर आ रहा है? अगर आप एक मॉलिक्यूलर मास सर, यहाँ मास गिवन है, मैं मॉलिक्यूलर मास गिवन नहीं है। देखो इसमें सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि मॉलिक्यूलर मास तो कभी भी गिवन नहीं होगा, वो तो आपने फार्मूले से देखना ही है ना। लेकिन इसमें एक डिफरेंट थिंग है आपके पास, देर आर मासेज ऑफ द गैसेज आर गिवन है, 2 ग्राम एंड 3 ग्राम। अब ये मैटर करता है क्योंकि मासेज अगर ये हैं तो इनसे मोल निकाले जा सकते हैं, और मोल अगर अलग होंगे तो बेटा प्रेशर अलग हो जाएगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब कभी भी आप देखो, कभी अगर आपको गैसेस का अमाउंट दे दिया गया है तो इट मींस अमाउंट से मोल निकलेंगे, मोल निकलेंगे तो प्रेशर अलग अलग हो जाएगा, मोल अलग अलग हो जाएंगे तो प्रेशर अलग अलग हो जाएगा। तो कैसे स्टार्ट लोगे आप इस प्रॉब्लम का, आप लिखोगे R1 upon R2, स्टार्ट वही हमेशा बेस वही, इज इक्वल टू P1 upon P2, यहां से स्टार्ट लोगे आप, अंडर रूट M2 upon M1। अब एक को सपोज हमने इसको 1 ले लिया, इसको सपोज 2 ले लिया, तो नाउ व्हाट इज द ऑब्जर्वेंस इन दिस केस, देर देर इज डिफरेंट मासेज। अगर मासेज डिफरेंट है तो मोल डिफरेंट होंगे, मोल डिफरेंट होंगे तो प्रेशर भी डिफरेंट होंगे, यू नो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर एन किसी का डिफरेंट है तो पार्शियल प्रेशर भी डिफरेंट होगा। इट मींस आप P1 upon P2 की जगह बेटा उनके नंबर ऑफ मोल रख देंगे। फार्मूले में चेंज आ गया, एक मेजर चेंज आ गया। देखो फार्मूले में प्रेशर तो डायरेक्ट निकालेंगे भी तो प्रेशर में RT वगैरह कैंसिल हो जाएगा। तो आपको मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ, जब भी ऐसा केस आ जाए जब आपको गिवन अमाउंट दे रखा हो, देन यू कैन प्रोसीड बाय दिस फार्मूला। इस फार्मूले को इसमें चेंज कर दो, R1 upon R2 इज इक्वल टू, प्रेशर अलग है बिकॉज उनके नंबर ऑफ मोल्स अलग है, N1 upon N2 M2। अब शॉर्टकट भी बताऊंगा, पहले ड्राइव करेंगे फिर मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा। अब N1 क्या होता है देखो, कैलकुलेट करो, R1 upon R2 इज इक्वल टू W1 upon M1 इंटू W2 upon M2, और ये आ रहा है आपका इंटू M2 upon M1। यहां मैंने सही किया, N1 W1 upon M1 M2, ठीक है। अब देखो आप
अब आपके पास क्या है, ये भी m2 है और इसका पावर था 1 बाई टू, इनके पावर आ रहे हैं 1 1, इनका पावर आ रहा है 1 1, तो क्या फार्मूला यूज करूंगा मैं, w1 अपॉन w2, 1 पावर ऐड करो देखो तो 3 बाई टू आ जाएगा, मतलब आपका फार्मूला तो वही रहेगा m2 अपॉन m1, लेकिन यहां पर आ बेटा 3 बाई टू, तो आप डायरेक्ट फार्मूला फिर आगे चल के ये भी यूज कर सकते हैं, जब भी आपको वेट दिया हो तो वेट दिया हो तो वो फार्मूला नहीं लगेगा, तो पहले लगाए में डिराइव करना पड़ेगा, आर वन अपॉन आर टू इज इक्वल टू पी वन अपॉन पी टू एम टू अपॉन एम, पी वन अपॉन पी टू की जगह रखेंगे एन वन अपॉन एन टू अंडर रूट एम टू अपॉन एम, एन वन क्या होगा डब्ल्यू वन अपॉन एम वन, एन टू क्या होगा डब्ल्यू टू अपॉन एम टू, देखो इसका मतलब यहाँ पावर वन है, यहाँ पावर वन है, और अंडर रूट का मतलब हाफ पावर होती है, एम टू अपॉन एम वन हाफ ये और वन ये, मतलब थ्री बाई टू पावर पे जाना पड़ेगा, देन कैसे सोल्व करेंगे, अब सोल्व हो जाएगा आपका, R1 देखो फर्स्ट वाले का दे रखा था उसने, हाइड्रोजन का आपको X दे रखा है, R2 आपको निकाल, इक्वल टू वेट भी आ गया आपके पास 2 बाई 3, इधर से M2 अपॉन M3 की वैल्यू आपको पता है गिवन है, तो M2 अपॉन M1, और आप चाहो तो मतलब कैलकुलेशन है कैसे भी कर सकते, इसी फार्मूले से करना है इसी से कर लो आप, M2 अपॉन M1, M2 क्या है हीलियम 4 बाई 2 जैसा इजी लगे आपको, पर इधर वाला क्या रखा आपने 4 बाई 2, कैलकुलेशन जहां से इजी 1 बाई 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया आपका, तो 2 की पावर 1 बाई 2 हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो x बाई r2, x बाई r2 आपके पास कितना आ गया 4 बाई 3, तो इधर से आ गया और अंडर रूट 2 इधर से आ गया, अंडर रूट 2 इधर से आ गया, तो r2 निकालो, देखो मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम देगा तो बेटा आपको ये आया 3x बाई 4, मतलब डायरेक्ट अब दोनों ऑप्शन होंगे, एक फार्मूला वो भी लगा रखा होगा R1 upon R2 is equal to direct M2 upon M1, वो ऑप्शन भी होगा, बट वो नहीं आएगा बिकॉज देयर अमाउंट्स आर डिफरेंट, अमाउंट्स ऑफ गैसेस आर डिफरेंट, सो वी कैन यूज दिस फार्मूला W1 upon W2 M2 upon M1 का 3 बाई, क्लियर बेटा, बना लोगे ये प्रॉब्लम अब ऐसे, तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर थोड़ा मैंने और डिटेल डिस्कशन दिया है आपको। नेक्स्ट फिर आता है कि ये तो सब आपके लिए तभी एप्लीकेबल है बेटा जब आपके आइडियल इक्वेशन हो, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी इक्वेशन होता है तब उससे सोल्व कर, सपोज गैसेस आइडियल बिहेव नहीं कर रही हैं, तो आइडियल बिहेव नहीं कर रही हैं तो हम कैसे सोल्व करेंगे, हो भी सकती है आइडियल नहीं भी हो सकती है, मतलब उनके लिए कंडीशन नहीं है आइडियलिटी वाली, तो जब नहीं होती है तो फिर हम कहते हैं कि गैसेज जो है ऐसे बिहेव करेंगी, तो उसको हम इस पॉइंट से पढ़ सकते हैं बिहेवियर ऑफ रियल गैसेज, बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस। अब रियल गैसेस बिहेव आइडियली नॉन आइडियली दोनों कर सकती है, बिहेव रियल मतलब जो हम एटमोस्फेयर में देखते हैं, बिहेव आइडियली और नॉन आइडियली, विच डिपेंड्स अपॉन कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर और प्रेशर का कंडीशन क्या होता है उस चीज पर डिपेंड करेगा कि कोई भी गैसेज बेटा बिहेव करेगा कि आइडियली कर रहा है या नॉन आइडियली कर रहा है। देखो पॉइंट है कि रियल गैसेज जो है वो कब आइडियल बिहेव करती है कब नहीं करती है, ये डिपेंड करता है आपका कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर पर, इफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, अब देखते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है, फिर इसको लिखते हैं बेटा जेड से, ये जेड जो होता है पीवी अपॉन एनआरटी होता है, पीवी अपॉन एनआरटी, और इफ एन इज इक्वल टू इजी करने के लिए वन मोल ले लें तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पीवी मोलर वॉल्यूम ले लेंगे मतलब वन मोल का अपॉन आरटी, जेड का जेड को बोला जाता है, जेड एक मैथमेटिकल टर्म है बेटा, प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट और आर और टी का, अगर ये ऊपर वाला और नीचे वाला बराबर आ जाएंगे तो जेड की वैल्यू वन हो जाए, अगर जेड का वैल्यू वन आ जाए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वन आ जाए तो वन का मतलब है कि देयर इज नो अट्रैक्शन, देयर इज नो अट्रैक्शन एंड नो रिपल्सन, नो अट्रैक्शन एंड नो रिपल्सन बिटवीन गैसेज, और जब गैसेज में अट्रैक्शन और रिपल्सन खत्म हो जाते हैं ना, हम कहते हैं उसमें अट्रैक्शन है ना रिपल्सन है, मतलब गैसेज पार्टिकल एक सफिशियंट डिस्टेंस के ऊपर है
लेकिन एक दूसरे को छोड़ के भी नहीं जा रहे, तो उस टाइम को हम बोलते हैं नो अट्रैक्शन। प्रैक्टिकली हम कहते हैं नो अट्रैक्शन नो रिपल्सन, तब उसका बिहेव आइडियल होता है। तब बिहेव क्या होगा बेटा, आइडियल होगा। इसलिए हम कहते हैं कोई भी रियल गैसेस की ये मैथमेटिकल वैल्यू पीवी अपॉन आरटी वन आ जाए, वन आने का मतलब क्या है बेटा, फिजिकल मीनिंग क्या है, नो अट्रैक्शन एंड नो रिपल्सन, देन गैस का बिहेव आइडियली। तो आइडियल गैस के लिए जेड का वैल्यू वन आना चाहिए। अगर जेड का वैल्यू वन नहीं आया बेटा, देखो दूसरी पॉसिबिलिटी, इफ जेड इज इक्वल नॉट इक्वल टू वन, मतलब नॉट इक्वल टू पीवी आरटी, मतलब नॉट इक्वल टू वन, तो अब वो आइडियल नहीं है। तो उसमें तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है ना, वो दो क्या हो सकती है, या तो जेड ग्रेटर देन वन आएगा और या जेड लेस देन वन आएगा। ये दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, जेड नॉट इक्वल टू वन, नॉट इक्वल टू वन मीन जेड इज ग्रेटर देन वन और जेड इज लेस देन वन। वन थिंग मोर, इफ यू ऑब्जर्व द आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेस, इट मींस इफ वैल्यू ऑफ जेड इज इक्वल टू वन, देन मोलर वॉल्यूम हमेशा फिक्स है। तो गैस का फिक्स वॉल्यूम, वन मोल गैस का वॉल्यूम आएगा 22.4 लीटर एट एनटीपी। तो जेड वन है तो वॉल्यूम जो आ जाएगा 22.4 लीटर एट एनटीपी। सपोज इफ जेड नॉट इक्वल टू वन, देन गैस का बिहेव जो होगा नॉन आइडियल, मतलब गैस आइडियल बिहेव से डेविएट हो जाएगी, नॉन आइडियल। नॉन आइडियल दो टाइप से हो सकता है, जेड ग्रेटर देन वन और जेड लेस देन वन। जेड ग्रेटर देन वन का मतलब क्या है और लेस देन का प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है, जरा देखो। अब इस चीज को हम प्रैक्टिकली समझते हैं कि ग्रेटर देन का क्या है। और देखो सब कुछ बड़ा इजी और बड़ा कंसेप्चुअल है, अगर हम ध्यान से देखें तो सारी चीजें बड़ी इजी और बड़ी कंसेप्चुअल है, सोचें तो बड़े आसानी से आंसर मिलेंगे इसके। देखो अब आइडियलिटी से बिहेव हो गया तो इसका मतलब इन चीजों में चेंज आ गया ना, या तो अट्रैक्शन हो गया बढ़ गया या रिपल्सन बढ़ गया। जब रिपल्सन बढ़ जाए, रिपल्सन डोमिनेंट हो जाए, तो रिपल्सन डोमिनेंट हो जाएंगे तो Z ग्रेटर देन वन हो जाएगा, रिपल्सन डोमिनेंट। जब गैसेस के पार्टिकल एक दूसरे को रिपेल करने लग जाए ज्यादा, तो रिपल्सन डोमिनेंट हो जाएगा, तो रिपल्सन डोमिनेंट हो जाएगा। तो रिपल्सन का मतलब एक दूसरे से दूर होने लगेंगे, डिस्टेंस बढ़ने लगेगी। तो डिस्टेंस बढ़ने लगेगी तो बेटा मोलर वॉल्यूम जो होगा वो 22.4 से हमेशा ज्यादा आए। तो गैसेस दो टाइप से डेविएट हो सकती है, या तो जेड ग्रेटर देन वन हो जाए मतलब पार्टिकल में रिपल्सन बढ़ने लगे, या जेड लेस देन वन का मतलब अट्रैक्शन डोमिनेंट हो जाए, अट्रैक्शन डोमिनेंट हो जाए। अट्रैक्शन डोमिनेंट हो जाएंगे तो अट्रैक्शन का मतलब मॉलिक्यूल पास आने लगेंगे, तो वॉल्यूम जितना आना चाहिए आइडियली उससे कम आएगा, तो मोलर वॉल्यूम जो आएगा लेस देन 22.4 आएगा। तो जो गैसेस हैं वो आइडियलिटी से अट्रैक्शन ज्यादा होने पर या रिपल्सन ज्यादा होने पर डेविएट हो सकती है। और उसको मैथमेटिकली कैसे समझ सकते हैं, अगर रिपल्सन डोमिनेंट है तो रिपल्सन डोमिनेंट है तो मोलर वॉल्यूम 22.4 से इंक्रीज होने लग जाएगा प्रैक्टिकली, अट्रैक्शन है तो 22.4 से कम आने लग जाएगा, मतलब जेड का वैल्यू लेस देन 1 आने लग जाएगा। अब ये होता क्यों है, इसको डिसाइड करती है बेटा टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन। पहले ही हमने बोला डेविएट हो जाती है, टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन कैसे डेविएट करती है इसको देखो। अब जो एक्सप्लेनेशन है वो हम देते हैं इसका सारे का, ये तो थ्योरेटिकल पॉइंट हो गया, अब एक्सप्लेनेशन। कोई सी भी गैस हो उसका बिहेव आइडियल हो नॉन आइडियल हो, एक्सप्लेनेशन जो होता है भाई एक इक्वेशन होता है, उसको बोलते हैं वैंडरवाल इक्वेशन, वैंडरवाल वैंडरवाल इक्वेशन होता है बेटा, पी प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर और वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन। भाई लॉन्ग क्लासेस होती तो पूरा डेरिवेशन भी निकालते कैसे आता है, अभी नो नहीं, आप जो है बेसिक पॉइंट पर करें। पी प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। अगर वन मोल गैस है तो एन की वैल्यू वन हो जाएगी। यहां पर ए और बी वैंडरवाल कॉन्स्टेंट है, ए और बी, इसमें से ए जो है, ए देखो ए का मतलब अट्रैक्शन, ए जो है रिलेटेड विद अट्रैक्शन फोर्सेस, रिलेटेड विद अट्रैक्शन फोर्सेस। अगर आपके अट्रैक्शन फोर्सेस डोमिनेंट हो जाए, मतलब जेड लेस देन वन तभी होता है जब ए ज्यादा होता है, ए रिलेटेड विद अट्रैक्शन फोर्सेस, और जो बी है ये जो रिलेटेड है ये रिपल्सन फोर्सेस। द
जब रिपल्सन फोर्सेस डोमिनेंट होंगे तो बी की वैल्यू ज्यादा आएगी, रिपल्सन फोर्सेस। तो यहाँ काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं अभी हम करेंगे। आपको सिंपली याद रखना है वैन डर वाल कांस्टेंट ए भी है, वैन डर वाल कांस्टेंट बी भी है। ए प्रेशर टर्म में है और बी आपका वॉल्यूम टर्म में है, तो ए और बी वैन डर वाल कांस्टेंट है, ए और बी दोनों। तो ये जो वैन डर वाल कांस्टेंट है इन पर क्वेश्चन कैसे आते हैं पहले वो बात करें, फिर हम ये डेविएशन निकालते हैं। इसमें जैसे सपोज आपके पास प्रॉब्लम आएगा यूनिट ऑफ ए, वैन डर वाल कांस्टेंट, तो आप लिखोगे इसकी इसको इससे इक्वेट कर दो, बी इक्वल टू ए अपॉन वी स्क्वायर, तो ए इज इक्वल टू आ जाएगा बी वी स्क्वायर, पी इज इक्वल टू प्रेशर करेक्शन टर्म से पी इज इक्वल टू ए अपॉन E प्लस इक्वेशन क्या लिखा हमने ई प्लस ए वी स्क्वायर ए अपॉन वन मोल के लिए लिखना है ना, तो एन थॉट ऑफ वन मोल फॉर वन मोल एन अट पी ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस एन बी। तो P अगर पूरा लिखोगे तो P प्लस ए एन स्क्वायर पूरी इक्वेशन लिखोगे N लिखना है तो P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर V माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर, कितने ही मोल हो उनके लिए रखेंगे। अब जब आपको A वाला रिलेट करना हो तो इसके साथ कर देना P इज इक्वल टू ए एन स्केयर अपॉन वी स्केयर, तो अब A की वैल्यू निकालोगे तो पी वी स्केयर अपॉन एन स्केयर, और जो जो यूनिट आए हैं वो सारे रख दो यूनिट रख देंगे, तो पी पी प्लस ए एन स्केयर अपॉन V square, A N square, सर आपने यूनिट कहाँ लिखे हैं दिख नहीं रही, कौन सी वाली ये चीज दिखाई नहीं रही, ये यूनिट नहीं दिखाई दे रही आपको। अच्छा हाँ ठीक है सर, है ना, तो P plus A N square upon V square, तो A is equal to ये आ गया, वैल्यू पुट कर दो सारी, तो ये वैल्यू पुट करोगे देखो P का वैल्यू क्या होता है एटमोस्फेयर, P का वैल्यू क्या होता है एटमोस्फेयर, बड़ा कर देता हूँ, पी का वैल्यू होता है एटमोस्फेयर, बी का वॉल्यूम होता है लीटर, तो लीटर का स्क्वायर, और मोल इनवर्स। अगर आपको ऐसा यूनिट चाहिए तो प्रेशर को लो इसमें लोगे पास्कल, लीटर को लोगे मीटर क्यूब में, तो मीटर क्यूब का स्क्वायर 6 हो जाएगा और मोल तो मोल ही रहेगा। तो ये ऐसा ही ये प्रॉब्लम आते हैं बेटा, तो आपसे पूछेगा कि ए का यूनिट बताओ, तो ये भी सही है, ये ऑर्डिनरी यूनिट है एटमोस्फेयर लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर, या पास्कल मीटर 6 पर मोल स्क्वायर एसआई यूनिट। इसी टाइप से वो कहेगा आप यूनिट ऑफ बी, यूनिट ऑफ बी है तो इधर वाले पार्ट में आ जाओ वी से इक्वेट कर दो, वी इज इक्वल टू एन बी, प्लस माइनस नहीं देखना आपने मैग्नीट्यूड, वी इज इक्वल टू एन बी यूनिट निकाल रहे हैं वैल्यू नहीं निकाल रहे, वी इज इक्वल टू एन बी, तो बी इज इक्वल टू वी बाई एन, तो यूनिट देखो वी का क्या होगा लीटर पर मोल, लीटर पर मोल, और एन का एसआई निकालना हो तो लीटर का मीटर क्यूब होता है मीटर क्यूब पर मोल। पहला टाइप की प्रॉब्लम ये, तो आपसे पूछेगा वैन डर वाल इक्वेशन बताओ, तो डायरेक्ट दे देना पर मोल वाली ऊपर, टोटल देनी है पी प्लस एन स्क्वायर वी स्क्वायर वी माइनस बी इज इक्वल टू एन आर, और पी वाली साथ जो टर्म है उसे पी से निकालेंगे। ए किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगा अभी ऊपर बात कर ली अट्रैक्शन, इसका मतलब जिस गैसेज का ए जितना ज्यादा होता है, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात, ए ज्यादा होगा तो मोलिकुलर अट्रैक्शन ज्यादा होंगे, मोलिकुलर अट्रैक्शन ज्यादा होंगे तो गैस किस तरफ जाने लगेगी, देखो मोलिक्यूल अट्रैक्ट होने लगेंगे तो गैस लिक्विड की तरफ जाने लगेगी, तो ईज ऑफ लिक्विफिकेशन ज्यादा हो जाएगा, ईज ऑफ लिक्विफिकेशन, ईज ऑफ लिक्विफिकेशन बढ़ जाएगा, तो जिस गैसेज का ए का वैल्यू ज्यादा होता है उसका लिक्विफिकेशन ज्यादा होता है। बी के टर्म में देखोगे तो बी रिपल्सन से रिलेटेड है, तो बी जो है वो साइज से रिलेटेड होता है, यहां नोट दे दो मैं, बी इज इक्वल टू फोर टाइम वॉल्यूम
ऑफ गैसेस एक्सक्लूडेड, फोर टाइम ऑफ गैसेस एक्सक्लूडेड। अब ये एक्सक्लूडेड का मतलब क्या, देखो जैसे हम लोग हैं, जैसे हम मान लो हम हैं, तो जहां हम खड़े होते हैं वही वॉल्यूम होता है हमारा। अब ये गैस का पार्टिकल है, एक ये आ गया, और 3D में एक मॉलिक्यूल उसके साथ पास और आ गया इसी साइज का, एक पार्टिकल हो रहा। तो ये दो पार्टिकल हो गए, तो दो पार्टिकल आपके पास हो गए तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो, सपोज, नहीं दोबारा बनाता हूँ, कि सपोज आपके पास गैस का पार्टिकल एक है ये, एक पार्टिकल इतनी जगह ले रहा है, दूसरा इसके पास आके खड़ा होगा। जब ये इतना आएगा तो 3D में आपको इसके अलावा कोई पार्टिकल नहीं दिखाई देंगे 3D के अंदर, मतलब और पार्टिकल 3D में पास नहीं आ सकते। तो पास नहीं आ सकते हैं, तो जो टोटल एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है वो क्या होता है, देखो आर रेडियस इसका है, आर इसका है, तो ये टोटल रेडियस जो सेंटर पॉइंट से, तो 2R हो गया। मैं इस डिस्टेंस की बात करूंगा तो 2R हो जाएगा, तो वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई 2R³, तो 4/3 पाई 8R³, कितने वॉल्यूम के लिए, कितने पार्टिकल के लिए, फोर टू पार्टिकल और टू पार्टिकल, तो टू पार्ट इसको बोलते हैं एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। एक्सक्लूडेड वॉल्यूम मतलब दूसरा कोई पार्टिकल इनके पास नहीं आ सकता, दो पार्टिकल रखे होते हैं तो इतना वॉल्यूम लेते हैं, तो इतना वॉल्यूम लेते हैं, तो वन पार्टिकल कितना लेगा, देखो आप निकालो इसमें, वन पार्टिकल आधा ही तो लेगा, दो पार्टिकल जितना ले रहे हैं तो वन पार्टिकल लेना है, तो वन पार्टिकल उनका आधा लेगा, तो हमने हम इसमें क्या बोल सकते हैं कि एक्सक्लूडेड वॉल्यूम ऑफ टू पार्टिकल, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, एक्सक्लूडेड मतलब दो के अलावा और कोई पार्टिकल नहीं, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम ऑफ टू मॉलिक्यूल, गैस के टू मॉलिक्यूल, तो टू मॉलिक्यूल का एक्सक्लूडेड वॉल्यूम आया हमारा 4/3 पाई 8R³, तो वन वॉल्यूम कितना आ जाएगा, देखो वन का 1 क्या बेटा, क्या कह रहे हो, किसका आंसर गलत आ रहा है, कौन से वाले का, ये 2 आ गया, तो ये 2 आ गया, तो इसका मतलब ये आधा रह गया। तो देखो आप, अगर कोई हाँ कोई एक स्फीयर होता तो उसका एक्चुअल वॉल्यूम कितना होता, 4/3 πr³, लेकिन अगर 4/3 πr³ आ रहा है तो 4/3 πr³ का तो ये 4 टाइम है, ये जो वॉल्यूम आ रहा है 4 टाइम आ रहा है। तो एक्चुअल में एक मॉलिक्यूल का गैसेस के केस में जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है, मतलब दूसरे किसी गैस को अपने चारों तरफ नहीं कितना आने देता, सपोज एक पार्टिकल ये है, और ये इतना नहीं, सिर्फ जितना इसका एक्चुअल वॉल्यूम है, इसकी चारों तरफ और खाली जगह रहेगी कैलकुलेशन के हिसाब से, इसी को हम इसका एक्सक्लूडेड वॉल्यूम बोलते हैं। ये कितनी एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल जो है वो 4 × 4 टाइम आता है, जो उसका एक्चुअल वॉल्यूम है, उसकी 4 टाइम में किसी को नहीं आने देगा। अगर हम 1 मोल का एक्सक्लूडेड वॉल्यूम निकालें, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस, 1 मोल गैस है तो अवोगैड्रो नंबर से इंटू कर दो, 4 × 4/3 πr³ इंटू अवोगैड्रो नंबर, इसी को हम एक्सक्लूडेड वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस होता है, इसी को वेंडरवाल कांस्टेंट बी बोलते हैं। एक्चुअल में वेंडरवाल कांस्टेंट बी है क्या, 4 × 4/3 πr³, आर जितना बड़ा होगा, आर साइज को डिसाइड कर रहा है, देखो जितने साइज ज्यादा होते हैं तो इसका मतलब बी जितना ज्यादा होगा, साइज जितना बड़ा बी उतना ज्यादा, तो अट्रैक्शन की बजाय रिपल्सन उतने ज्यादा हो, रिपल्सन बढ़ जाएंगे, रिपल्सन बढ़ जाएंगे तो गैस लिक्विफाई नहीं होगा, तो लिक्विफिकेशन के लिए ए तो ज्यादा होना चाहिए और बी लेस होना चाहिए, फॉर लिक्विफिकेशन ए हाई होना चाहिए, बी लेस होना चाहिए, तो ए जितना ज्यादा होगा, बी जितना कम होगा, उतना गैस इजिली लिक्विफाई होगा। तो क्लियर, वेंडरवाल कांस्टेंट से आपके देखो 2 पॉइंट आएंगे बेटा,
एक तो वैंडरवाल कॉन्स्टेंट ए के यूनिट पूछेगा, ए का यूनिट क्या है, बी का यूनिट क्या है, नंबर वन। और नंबर टू आपसे क्या पूछेगा कि भाई ए है क्या चीज और बी है क्या चीज। तो ए अट्रैक्शन से रिलेटेड है, बी रिपल्सन से रिलेटेड है, बी एक्चुअल में साइज से रिलेटेड है, वॉल्यूम से रिलेटेड है, और वॉल्यूम कितना होता है इसका, जो एक्चुअल वॉल्यूम है उसका 4 टाइम वॉल्यूम हम एक्सक्लूडेड वॉल्यूम लेते हैं गैसेस के केसेस में। क्लियर? एक बेटा कोई लिख रहा था अभी, वो क्या क्वेश्चन लिख रहे हैं, किसका आंसर गलत कह रहे हैं, वो बोल के बताओ बेटा, अनम्यूट होके बताओ, क्या प्रॉब्लम है किसी स्टूडेंट को, कहीं कोई आ रहा है तो डिस्कस कर लो मेरे से, नो चलो सर, आगे, नहीं तो कुछ यस सर, लिखा हुआ आया था ना, किसी का भी मैसेज आया था, क्या था। चलो फिर नेक्स्ट जो है इसका पूरा एक्सप्लेनेशन देते हैं अब अपने, कब डेविएशन होगा, क्या प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन होगी कि आइडियल बिहेव होगा, इन सब क्वेश्चंस के आंसर ढूंढते हैं। सर लिक्विडिफिकेशन में बी की भी ज्यादा चाहिए? नहीं, बी ज्यादा नहीं, बी कम चाहिए, हम बी जो चाहिए वो कम चाहिए, मैंने ज्यादा लिख दिया है, हाँ सही कर लेते हैं, बी कम होना चाहिए, ए ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि बी तो रिपल्सन कर रहा है ना, लिक्विफिकेशन करना है तो अट्रैक्शन चाहिए आपको, बी कम होना चाहिए, ए ज्यादा, अट्रैक्शन ज्यादा होनी चाहिए मोलिक्यूल में, रिपल्सन कम। क्लियर? नेक्स्ट देखो बेटा, अब जो भी इक्वेशन करना है आप कंडीशन लगा के करोगे, आपके पास इक्वेशन है फॉर वन मोल, फॉर वन मोल, यहां से देखो फिर प्रॉब्लम आते हैं, पी प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर बी माइनस बी आर टी, हमेशा यहां से शॉर्ट आउट करोगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग बता रहा हूं अभी, देखो ध्यान देना अच्छी तरीके से, जरूरी है, पी प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी, इफ कंडीशन दे दे, इफ लो प्रेशर, आपको ये कंडीशन दे दे कि प्रेशर लो, तो हमेशा हाई वाली चीज से आपने सोल्व करना है और प्रेशर और वॉल्यूम में से देखना है, अगर प्रेशर लो दे दिया इसका मतलब प्रेशर लो है तो वॉल्यूम हाई है, वॉल्यूम हाई, हमेशा ध्यान देना, ट्रिक सिखा रहा हूं, एक प्रेशर लो है तो वॉल्यूम हाई है, अगर वॉल्यूम हाई है तो वॉल्यूम के साथ वाले पार्ट को छोड़ दो, पी प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी, वॉल्यूम ये रहा, ये इसका मतलब हाई हो गया, तो इसके काउंटर पार्ट नेग्लिजिबल करो, आंसर आ गया, अब सोल्व करो, पी प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर वी इज इक्वल टू आर टी, पी से सोल्व करो इसको, पी वी प्लस ए अपॉन वी इज इक्वल टू आर टी, आर टी को इधर ले जाओ, पी वी अपॉन आर टी प्लस ए अपॉन आर टी वी इज इक्वल टू आर टी, चला गया तो वन रह गया, और पी वी अपॉन आर टी क्या है, जेड, तो इसका मतलब क्या आ गया, देखो जेड जेड आ गया वन माइनस ए अपॉन आर टी वी, तो वन से कम आ रही है वैल्यू जेड की, जेड का वैल्यू आएगा लेस देन वन, लेस देन वन आ रहा है तो क्या ज्यादा हो गया, आप देखो आपका जेड की वैल्यू लेस देन वन, जब लो प्रेशर है तब आप लिक्विफिकेशन की तरफ जाओगे, जेड लेस देन है तो लिक्विड मतलब डेविएशन हो गया, एक तो गैसेज डेविएटेड और टुवार्ड अट्रैक्शन, लो प्रेशर है तब प्रेशर बढ़ाओगे तो अट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएंगे, जेड का वैल्यू लेस देन इतना आएगा, आपने जो हाई है उसको लेके सोल्व करना बेटा, हमेशा सारे आंसर मिल जाएंगे, जैसे एग्जाम में आते हैं सब क्वेश्चन शॉर्ट आउट हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, बस इसी चीज को फॉलो करते रहना, एक दो केस मैं बता रहा हूं आपको, सपोज कंडीशन दे दी मैंने, देखो आपको मैंने बेटा आपको कंडीशन दे दिया, ये वाला मैंने कह दिया हाई प्रेशर, तो सोल्व करते जाओ, देखो हाई प्रेशर कर दो, तो इक्वेशन तो है ना आपके पास, पी प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर और v माइनस बी इज इक्वल टू आर टी, मैंने प्रेशर हाई कर दिया है, तो प्रेशर हाई है तो हाई से ही तो सोल्व करना होता है, हाई है तो उसका काउंटर पार्ट छोड़ दो, तो आपके पास रह जाएगा p v माइनस बी इज इक्वल टू आर टी, पी वी माइनस पी वी इज इक्वल टू आर टी, आर टी को इधर ले आओ, पी वी अपॉन आर टी, पी वी अपॉन आर टी इज इक्वल टू वन, तो पी वी अपॉन आर टी तो जेड होता है, z इज इक्वल टू वन प्लस पी वी अपॉन आर टी,
क्या हुआ, देखो जेड का वैल्यू वन से ज्यादा आ गया, मतलब फिर डेविएशन, गैस डेविएटेड होगी, अभी भी हाई प्रेशर पे भी डेविएटेड होती है, लो प्रेशर पे भी डेविएटेड, हाई डेविएटेड बट टुवार्ड रिपल्सन, टुवार्ड रिपल्सन, रिपल्सिव साइड जाएगी, डेविएट होगी लेकिन रिपल्सिव, यहां तो अट्रैक्टिव साइड जानी चाहिए, यहां रिपल्सिव। अब दोनों कंडीशन में मिला देता हूं, मैं कह देता हूं तीसरा केस, एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, ध्यान रखना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर। देखो जब टेम्परेचर हाई होगा तो क्लियर कट है कि जब टेम्परेचर हाई होंगे तो अट्रैक्शन फोर्सेस नेग्लिजिबल, अट्रैक्शन नेग्लिजिबल होगी, और लो प्रेशर है तो वॉल्यूम हाई हो जाएगा। क्या इक्वेशन बनेगी, P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। अब आप कह रहे हो एक तो हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर तो अट्रैक्शन नेग्लिजिबल, मतलब ए नेग्लिजिबल करना है आपको, हटा दो ए, और लो प्रेशर है तो वॉल्यूम हाई हो गया तो उसका काउंटर पार्ट भी हटाना है, तो बच क्या गया, पीवी इज इक्वल टू आर टी, तो पीवी अपॉन आर टी इज इक्वल टू वन आ गया, और पीवी अपॉन आर टी जेड ही तो होता है, तो वी कैन से दैट। बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है कि गैस आइडियल हो भी, देखो तो गैस आइडियल होती कब है, आइडियल बिहेवियर कब होता है किसी भी गैस का, वो टेम्परेचर या प्रेशर डिसाइड करता है, आइडियल बिहेवियर एट लो प्रेशर, रट लो इस बात को, आइडियल बिहेवियर एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, जब कभी भी लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर होगा तो गैसेस जेड का वैल्यू वन आएगा, तो प्रेशर जेड का वैल्यू आइडियल बिहेव। बट एक ध्यान रखना, जो सबसे स्मॉलेस्ट गैसेस हैं, हाइड्रोजन गैस एंड हीलियम गैस, हाइड्रोजन एंड हीलियम हैज नेग्लिजिबल ए अट्रैक्टिव फोर्सेस, नेग्लिजिबल है हमेशा, यानी कि रिपल्सिव डोमिनेंट रहता है इसमें, रिपल्सिव डोमिनेंट, अगर रिपल्सिव डोमिनेंट रहेगा तो पी कोई भी टेम्परेचर हो प्रेशर हो हाइड्रोजन और हीलियम के लिए, पी प्लस ए अपॉन एन स्क्वायर, प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, ए अपॉन वी स्क्वायर, और इधर क्या आएगा, वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। अब आप वो कह रहे हो कि जब भी हाइड्रोजन और हीलियम गैस देख लो तो ए हटा दो, ए हटा देंगे तो क्या बच जाएगा, वापस यही चीज आएगी, तो जेड ग्रेटर देन, वापस सोल्व कर लेना, मतलब यही आया, तो हाइड्रोजन और हीलियम गैस के लिए हमेशा ही जेड ग्रेटर देन वन आएगा, इसलिए इन गैस का लिक्विफिकेशन ईजी हो ही नहीं पाता, हाइड्रोजन और हीलियम का लिक्विफिकेशन नहीं हो पाता, बहुत जो है लिक्विफिकेशन करने के लिए बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो हमारे पास ये चार केसेस आएंगे कि हम आइडियल बिहेव शो कर सकते हैं, तो इस चीज को यू कैन शो इवन विद इन ग्राफ। आप ये वाली बात ग्राफ में भी यू कैन शो, कैसे ग्राफ में शो कर सकते हो, आप देखो जब भी आपको ये बोल दिया जाए भाई ग्राफ बनाओ, बना देना ग्राफ, गैसेस के लिए ग्राफ बनाओ कि इधर से आप देख रहे हो सपोज जेड की वैल्यू और इधर प्रेशर या वॉल्यूम के साथ ग्राफ बना रहे हो, तो अगर आइडियल बिहेव होता तो जेड कांस्टेंट आता, प्रेशर पर डिपेंड ही नहीं करता, क्योंकि जेड ऑलवेज वन होता, किसके लिए, फॉर आइडियल गैस के लिए। बट यू नो दैट जब आप मोस्ट ऑफ केसेस में ग्राफ बनाओगे तो ऐसे ग्राफ आएंगे, ऐसे ग्राफ, मतलब यहां पर क्या है, जब लो प्रेशर है तो जेड लेस देन वन आ रहा है और ये ऊपर बढ़ गए, वन से ऊपर चले गए, यहां सपोज वन है जेड की वैल्यू, जब आप जेड हाई प्रेशर पर पहुंच गए, यहां आगे देखो प्रेशर बढ़ रहा है, हाई प्रेशर पर आए तो मोस्ट ऑफ गैसेस के लिए लो प्रेशर पर जेड लेस देन वन, हाई प्रेशर पर जेड ग्रेटर देन वन, और एक कोई स्पेशल पॉइंट आएंगे वो अलग अलग गैसेज के लिए अलग अलग होंगे, ये जो पॉइंट होंगे यहां पर जेड वन मतलब आइडियल बिहेवियर शो करेंगी, कब शो करेंगी वो, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, वो अपने आप ग्राफ से पता लगेगा, प्रैक्टिकली पता लगेगा। लेकिन हाइड्रोजन और हीलियम गैस ऐसी है, हाइड्रोजन और हीलियम इसका जेड ऑलवेज ग्रेटर देन वन, चाहे लो प्रेशर हो चाहे हाई प्रेशर हो, इसलिए इनको हाइड्रोजन और हीलियम को लिक्विफिकेशन इजी नहीं कर सकते, तो लिक्विफाई इजी कौन सी होगी, जिसमें जितना जेड लेस देन वन होगा,
जेड लेस देन वन होगा तो अट्रैक्शन फोर्सेज ज्यादा आते जाएंगे, तो ग्राफ देख के हम बता सकते हैं कि कौन सी गैस इजिली लिक्विफाई हो सकती है। क्लियर बेटा, किसी को कोई डाउट तो डिस्कस कर सकता है। दो ही तरीके से प्रॉब्लम शॉर्ट आउट करने हैं आपने, या तो आइडियल बिहेव लेके शो करना है या आपने रियल बिहेव लेके सोल्व करना है। रियल बिहेव में आइडियल नॉन आइडियल दोनों आ सकता है, और उसमें क्या क्या देखना है कि आपकी कंडीशन देखनी है किस जगह पे बिहेव आइडियल होगा और किस जगह पे बिहेव आइडियल नहीं होगा। क्लियर? यस सर। तो बेटा आज इतना ही करते हैं, सी यू वेरी सून।